हेलो एवरीवन, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में आज का हमारे टॉपिक है गवर्नमेंट पॉलिसी। बेसिकली जो गवर्नमेंट पॉलिसी है ये इंडियन इंडस्ट्रियल सेक्टर्स के रिगार्डिंग थी। 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ और देश आज़ाद होने के बाद इंडिया के सामने एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी इकोनॉमिक की। इकोनॉमिकल कंडीशन जो इंडिया की उस समय थी वो बहुत अच्छी नहीं थी। ठीक है, तो 1947 में जब देश आजाद हुआ तो गवर्नमेंट ने कुछ ऐसी पॉलिसीज लेकर के आई जिसकी वजह से लोगों को, इंडिया में रह रहे लोगों को या जो भारत के नागरिक थे उनको सर्वाइवल प्रॉब्लम ना हो, मतलब उनको उनकी जीविका चलने में, उनकी रोजी रोटी चलने में कोई दिक्कत ना हो, साथ ही साथ इंडिया का डेवलपमेंट भी हो सके। ठीक है, तो इन्हीं सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने कुछ ऐसी पॉलिसीज बनाई जो इंडस्ट्रियल सेक्टर के रिगार्डिंग थी, उसी को हम बोलते हैं इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन, जिसको हम शॉर्ट में IPR बोलते हैं। इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन, जिसको हम शॉर्ट में IPR भी बोलते हैं। तो बेसिकली जो गवर्नमेंट ने IPR दिया, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम में डिफरेंट डिफरेंट IPRs गवर्नमेंट ने प्रोड्यूस किया। तो बेसिकली जो फर्स्ट IPR जनरेट हुआ था वो, उसको नाम दिया गया IPR 1948, क्योंकि ये सन 1948 में ये IPR बना था। उसके बाद जो सेकंड IPR आया वो IPR 1956 था। थर्ड था हमारा IPR 1977, फोर्थ था हमारा IPR 1980s एंड फिफ्थ था हमारा IPR 1990। ये पांच IPR इंडियन गवर्नमेंट्स ने, डिफरेंट डिफरेंट गवर्नमेंट्स ने डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम में ये रिलीज किए थे। बेसिकली इन इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन का मेन मोटिव ये रहता है कि चूंकि ये आप जानते हैं किसी भी कंट्री का जो ग्रोथ रेट है वो हम उस कंट्री की GDP से मेजर करते हैं, और किसी भी कंट्री की जो GDP है वो तब इंक्रीज करती है जब किसी भी कंट्री की जो GDP है वो तब इंक्रीज करती है जब उस कंट्री में, उस कंट्री का एक्सपोर्ट जो है सबसे ज्यादा हो। तो कंट्री जितना ज्यादा एक्सपोर्ट करेगी और उस कंपनी का GDP उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, तो एक्सपोर्ट होने के लिए क्या जरूरी है कि कंपनी उस कंट्री के अंदर जो कंपनी जो वो मैक्सिमम प्रोडक्शन करे और उनके प्रोडक्ट की क्वालिटी इतनी अच्छी हो कि दूसरे दूसरे कंट्री भी क्या उनके प्रोडक्ट की डिमांड करें। जब दूसरी कंट्री उनके प्रोडक्ट की डिमांड करेंगे तो उनके प्रोडक्ट क्या होगी, वो अपने प्रोडक्ट क्या करेंगे, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में सेल करेंगे, तो इसे हम बोलते हैं एक्सपोर्ट। तो जिस कंट्री का एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा होता है और इम्पोर्ट सबसे कम होता है उस कंट्री का GDP सबसे ज्यादा होता है, यानी जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जिसको हम बोलते हैं, इसी GDP के थ्रू ही किसी भी कंट्री की जो फाइनेंशियल पावर है उसको हम मेजर करते हैं। तो किसी भी कंट्री की फाइनेंशियल पावर GDP को इंक्रीज करने के लिए उसमें एक्सपोर्ट बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अगर हमारे कंट्री में इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा हैं, स्मॉल स्केल की, लार्ज स्केल की, मीडियम स्केल की, और वो इंडस्ट्रीज इतना ज्यादा प्रोडक्शन करती है, इतनी अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करती है कि वो अपने प्रोडक्ट को दूसरी कंट्री को भी सेल करती है, जिससे क्या होता है, उस कंट्री की GDP में ग्रोथ होता है। तो गवर्नमेंट की यही पॉलिसी थी बेसिकली कि वो अपने कंट्री में इंडस्ट्रियल सेक्टर को इतना ग्रूम कर दे, कि हमारा कंट्री जो है डेवलप्ड कंट्री की ओर अग्रसर हो सके। ठीक है, तो वही यहाँ कह रहा है, आफ्टर अटेनिंग इंडिपेंडेंस इन 1947 इंडिया एडॉप्टेड इकोनॉमिक प्लानिंग एज अ मेथड टू अचीव इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देश आजाद होने के बाद जो गवर्नमेंट थी उन्होंने ऐसी पॉलिसी बनाई, ऐसी प्लानिंग किया ताकि जो भारत है जो वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की ओर मूव कर सके। द पैटर्न ऑफ प्लानिंग दैट कम टू बी एक्सेप्टेड वाज ऑफ मिक्स्ड टाइप, मेनली देयर बाय दैट इंडस्ट्रियल यूनिट इन द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर विल बी ऑपरेटेड इन द इकोनॉमिक। तो जो जो गवर्नमेंट सेक्टर जो जो गवर्नमेंट थी वो ऐसी पॉलिसी लेकर के आए कि उसमें मिक्स्ड
प्रोटेक्शन फॉर इंडियन सिविलियन, जैसे कि कहने का मतलब है कि जब देश आजाद हुआ तो लोगों की आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब थी, लोग इतने सक्षम नहीं थे कि वो खरीद के कुछ खा, वो अपनी डेली की जीविका चलाने के लिए अनाज भी खरीद सके। तो कहने का मतलब ये है कि जो इंडियन भारत के नागरिक थे उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए गवर्नमेंट कुछ ऐसी पॉलिसी लेकर के आई कि वो उनको सेल्फ डिपेंडेंट बना सके, यानी गवर्नमेंट का मेन मोटो क्या था, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना इंडियन सिटीजन्स को। तो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट क्या कर सकती थी, गवर्नमेंट ने ऐसी ऐसी अपॉर्चुनिटीज दी जिसके थ्रू गांव में रह रहे लोग या शहरों में रह रहे लोग अपने छोटे छोटे व्यापार कर सके, छोटे छोटे उद्योग लगा सके, तो जिसके थ्रू वो अपनी डेली की जीविका जो है चला सके। सो द इंडस्ट्रियल सेक्टर इन 1948 वाज नॉट डिफरेंट फ्रॉम वन एग्जिस्टिंग इन प्री 1947 डेज। देश के आजाद होने से पहले जो पॉलिसी थी अप्रोक्सीमेटली आईपीआर 1948 सेम ही है, लेकिन कुछ चेंजेस हैं। एंड हेंस द एसएसआई सेक्टर मींस मेनली रूरल इंडस्ट्रियल यूनिट्स, स्मॉल जॉब कम रिपेयर शॉप्स। तो जो बेसिकली एसएसआई आईपीआर 1948 था उसमें हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं जिसमें हमारे रूरल के इंडस्ट्रियल यूनिट्स आते हैं, इसमें स्मॉल जॉब्स कम रिपेयर शॉप भी आते हैं, इसमें ऐसे यूनिट्स आते हैं जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं एग्रीकल्चरल के प्रोडक्ट्स की, या फिर कुछ शहरी क्षेत्र के स्मॉल यूनिट्स आते हैं जो कपड़े का उद्योग, कपड़े का फिर या और फिर कोई छोटा सा उद्योग लगा के कुछ इंडस्ट्रियल सेक्टर में काम करते हैं। सो द ग्रेटेस्ट इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस ऑफ दीज यूनिट्स टू द इंडियन इकोनॉमी वाज देयर एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल। मतलब आईपीआर 1948 का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो क्या था, वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सके, लोगों को रोजगार दे सके, लोगों को आत्मनिर्भर बना सके, लोगों को सक्षम बना सके ताकि वो डेली की जीविका जो है चला सके। सो इट वाज दिस पोटेंशियल विच कॉल्ड फॉर प्रोटेक्शन थ्रू पॉलिसी एंड द मेन थ्रस्ट ऑफ आईपीआर 1948 एज फार एज द स्मॉल स्केल सेक्टर वाज कंसर्न्ड वाज प्रोटेक्शन। सो मेन ऑब्जेक्टिव फॉर आईपीआर 1948 इज प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन मींस प्रोवाइड सर्वाइवल फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट। अब अगर आईपीआर 1956 की अगर बात करें तो बेसिकली आईपीआर 1956, देखिए जब भी कोई नया नियम आता है ठीक है, तो कहीं ना कहीं पुराने नियम में कुछ खामियां रहती हैं जिसमें कुछ अमेंडमेंट करके, कुछ संशोधन करके हम एक नया रूल इंप्लीमेंट करते हैं, नया रूल बनाते हैं। तो जो आईपीआर 1956 था हमारा, आईपीआर 1956 में हम प्रोटेक्शन की भी बात कर रहे हैं। देखिए आईपीआर 1956 में हम यहाँ भी प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं, लेकिन अब चूंकि कुछ समय निकल चुका है तो हम और आगे की ओर बढ़ने की सोचेंगे, अपने देश को और आगे की ओर ले जाने की सोचेंगे, अपने देश को डेवलपमेंट की ओर अग्रसर करने की सोचेंगे। तो इसीलिए जो आईपीआर 1956 आया इसमें प्रोटेक्शन पॉलिसी तो थी ही जो आईपीआर 1948 में था, प्लस इसमें हमने एक चीज और ऐड किया, डेवलपमेंट मीन्स अब हम लोगों को सर्वाइवल तो भी प्रोवाइड कर ही रहे हैं, साथ ही साथ हम अपने देश के डेवलपमेंट के लिए भी अब सोच रहे हैं। सो आईपीआर 1956 इज द सेकेंड आईपीआर वाज अनाउंस्ड अगेंस्ट द बैकग्राउंड ऑफ अ बोल्डर सेकेंड 5 ईयर प्लान विद अ लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी फॉर इंडस्ट्रियल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, तो कहीं ना कहीं कंट्री के इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए भी था एज वेल एज इंडस्ट्रियल सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए भी था। As to the SSI sector, the resolution envisaged a dual role. First one is manufacture of customer goods such as cloth. तो जो हमारे कंट्री में जो सिटीजन्स रह रहे हैं उन सिटीजन्स की डेली नीड्स को फुलफिल करने के लिए इंडस्ट्रीज या मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, जैसे कपड़े बना रही है, खाने पीने के सामान बना रही है, या फिर और कोई सामान डेली यूज का और कोई सामान बना रही है। सेकेंड वन इसमें क्या है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंपोनेंट फॉर द न्यूली स्टेबलाइज्ड इंडस्ट्री एज अ पार्ट ऑफ
प्रोग्राम फॉर लॉन्ग टर्म इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट मीन्स, यहाँ देखिए हमने प्रोडक्शन की बात किया, प्रोडक्शन की बात करने का मतलब ये है कि कुछ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं जो कुछ डेली रूटीन्स के प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं, और उस मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू वो अपनी जीविका भी चला रही हैं और कुछ लोगों को रोजगार भी प्रोवाइड कर रही हैं और साथ ही साथ मार्केट की डिमांड को भी फुलफिल कर रही हैं। लेकिन हमें डेवलपमेंट की भी बात करनी है तो डेवलपमेंट के लिए क्या करना होगा, जो भी एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रियल सेक्टर है हमें उससे बड़े बड़े इंडस्ट्रियल यूनिट लगाने होंगे, उससे अच्छे प्रोडक्शन करने होंगे ताकि हम अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर सके। सो यहाँ जो सेकंड है वो सेकंड पॉइंट है हमारा, वो कह रहे मैन्युफैक्चर ऑफ कंपोनेंट्स फॉर न्यूली स्टेबलाइज्ड इंडस्ट्री एज पार्ट ऑफ द प्रोग्राम फॉर लॉन्ग टर्म इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट मीन्स, जो SSI है, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, वो कुछ ऐसे कंपोनेंट्स बनाएंगे जो हेल्प करेंगे किसको, लार्ज स्केल इंडस्ट्री को, ताकि वो अपना लार्ज स्केल इंडस्ट्री सेटअप कर सकें और एक बड़े पैमाने पे ज्यादा प्रोडक्शन करके उन प्रोडक्ट्स को दूसरे कंट्री को सेल करके अपने कंट्री में कैश इनफ्लो कर सके। दस टू द अर्ली इम्फेसिस ऑफ प्रोडक्शन वाज एडेड डेवलपमेंट इंडस्ट्रियल पॉलिसी फॉर SSI एम्ड एट प्रोटेक्शन प्लस डेवलपमेंट IPR 1956 इन अ मैनर इनिशिएटेड द मॉडर्न SSI इन इंडिया। सो यहाँ पे जो IPR 1956 है ये बेसिकली स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए है, प्लस ये लार्ज स्केल इंडस्ट्री के प्रमोशनल को भी डिनोट करता है कि आप प्रोटेक्शन की बात तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ आप डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। डेवलपमेंट मीन्स जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है वो खुद को डेवलप करके लार्ज स्केल इंडस्ट्री पे मूव करे, या जो नई यूनिट्स लग रही है वो नई यूनिट्स स्मॉल स्केल में ना लग के लार्ज स्केल में लगे, या अगर हमारे कंट्रीज में बहुत सारी लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज लग रही हैं या फिर जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी वो अपने आप को अपग्रेड करके लार्ज स्केल इंडस्ट्री में खुद कन्वर्ट करें, तो कहीं ना कहीं जो इनका इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी है साथ साथ कंट्री का भी डेवलपमेंट है। इसी साथ हमारा जो थर्ड पॉइंट है IPR 1977, तो IPR 1977 की अगर बात करें तो बेसिकली IPR 1977 प्रोटेक्शन की बात तो करता ही है, डेवलपमेंट की बात करता है और साथ ही साथ ये प्रमोशन की भी बात करता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जैसे जैसे एक नया IPR आ रहा है उसमें कुछ एडिशनल चीजें जोड़ती जा रही हैं, और इस IPR 1977 में एक नई एडिशनल चीज यहाँ आ गई प्रमोशन की। ठीक है, सो यहाँ कह रहा है द नेक्स्ट IPR वॉज अनाउंस्ड After a lapse of two decades, during preceding decades, two major problem has been witnessed. First was the lopsided industrial development. Large, medium, and small scale industries had become more of an urban phenomena. Means, अभी तक का जो industrial process था वो क्या था? जितनी भी SSI लग रही थी या जितनी भी लार्ज लेवल लार्ज स्केल की इंडस्ट्रीज लग रही थी, ये सारी की सारी इंडस्ट्रीज हमारी अर्बन सेक्टर में लग रही थी, रूरल सेक्टर में इनका स्कोप इतना कम था जिसको हम ना के बराबर मान सकते हैं। तो और दूसरा क्या है, द अदर वाज लार्ज स्केल अनएम्प्लॉयमेंट। देखिए दो इश्यूज हैं जो कि IPR 1956 से निकल के आते हैं, उन्हीं इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए हम यहाँ IPR 1977 लेकर के आए हैं। तो फर्स्ट इश्यू क्या है कि जो इंडस्ट्रीज लग रही है, जो SSI लग रही है, जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री लग रही है, वो बेसिकली अर्बन सेक्टर में लग रही है, शहरों में लग रही है। ठीक है, गांव में या फिर ऐसे छोटे छोटे कस्बे जो शहरों से बहुत दूर है वहां पे ऐसी इस तरह की कोई भी इंडस्ट्री नहीं है, और इंडस्ट्री ना होने की वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट है, जो बेरोजगारी है, वो गांवों में या फिर बहुत शहरों से दूर किसी छोटे कस्बे में ही अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन जो है वो क्रिएट होती है। या यूं कहें कि अगर अर्बन सेक्टर्स की बात करें तो अर्बन सेक्टर्स में भी जो यूनिट्स हैं वो इतनी सफिशियंट नहीं है जितने ज्यादा हमारे उस सिटी में या फिर उस अर्बन एरिया में जितने अनएम्प्लॉयड पर्सन है उस यूनिट की, उस इंडस्ट्रियल यूनिट की इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो सबको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सके। तो दो मेजर प्रॉब्लम थी IPR 1956 की, पहला था हमारा जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स लगती थी वो अर्बन सेक्टर में लगती थी, और दूसरा अनएम्प्लॉयमेंट। इन दो इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए हम IPR 1977 लेकर के आए। द इशू ऑफ द अर्बन एंड रूरल
एजुकेटेड अनएजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट हैज स्टार्टेड बिकम डिफिकल्ट. सो दिस सिचुएशन लीड टू अ रिन्यूड एम्फेसिस ऑन प्रमोशन ऑफ टिपिकल एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग स्मॉल स्केल इंडस्ट्री लोकेटेड इन रूरल एरिया एंड स्मॉल टाउन. अब IPR 1977 ने ऐसे रूल जनरेट किए जिसके थ्रू जो एंटरप्रेन्योर्स थे उनको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली कि वो रूरल सेक्टर्स में भी इंडस्ट्रीज या फिर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो है वो सेट कर सकें. तो जो IPR 1977 था प्रोटेक्शन तो दे ही रहा था, डेवलपमेंट भी प्रोवाइड कर रहा था, साथ ही प्रमोशन भी कर रहा है, प्रमोट कर रहा है. किसको प्रमोट कर रहा है? उन उन दूरस्थ इलाकों को, उन गांव के इलाकों को जहां पे इस तरह की सर्विसेज, इस तरह की फैसिलिटीज या फिर इस तरह की बिजनेस अपॉर्चुनिटीज नहीं पहुंच पाती है. तो इसका मेन मोटो क्या था? प्रमोशन का. ये ऐसे वर्ग के लोगों को भी प्रमोट करता है जिन तक इस तरह की सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही है. फोर्थ वन इज IPR 1980s. This IPR re-emphasized the spirit of the IPR 1956, which its strategy of large-scale, high technology and heavy investment based key or basic industry. Nevertheless, the SSI sector remained and perhaps the best sector for gathering wage and self-employment based opportunity in India. Overall, कहने का मतलब यह है कि अब IPR 1980s की अगर बात करें तो अब ये और डेवलपमेंट की ओर मूव कर रहा है. मतलब ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करें, ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करें, अच्छा से अच्छा प्रोडक्शन करें ताकि उनकी जो इंडस्ट्रियल पावर है वो और भी स्ट्रांग हो सके और लोगों में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की कैपेबिलिटी आ सके, साथ ही साथ वो दूसरों के लिए जो है रोजगार मुहैया करा सके. फिफ्थ एंड लास्ट इज IPR 1990s. IPR was announced during June 1990s. Its basic aim is to introduce measure of economic liberalization and simplified rules and procedures with a view to enhancing the technological base of industry and accomplish higher level of output. It gave a special emphasis on the SSC sector where employment opportunities are likely to be high in order to enable the SSI units to update their technology. The investment limits of SSI has been raised to the 60 lakhs. So, ये जो IPR 1990s है, इसमें कुछ ऐसे संशोधन किए, कुछ amendment किए गए जो कि 1980s में loophole बन रहे थे. तो IPR 1990s का जो मेन मोटो था वो बेसिकली जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था उस इंडस्ट्रियल सेक्टर को मोबिलाइज करने का था. ठीक है, उनको टेक्नोलॉजी में और इन्हेंसमेंट प्रोवाइड करने के रिगार्डिंग था ताकि वो अपने आउटपुट में क्वालिटी लेवल को और भी ज्यादा इम्प्रूव कर सकें, साथ ही साथ जो इनकी इन्वेस्टमेंट लिमिट थी उस इन्वेस्टमेंट लिमिट को बढ़ा करके 60 लाख कर दिया गया था. तो ये हमारे 5 इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशंस थे जो बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाए गए थे इंडियन इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए. थैंक यू.